ग्राउंड के अंदर तकरीबन 4 या 5 इंटरनेशनल फुटबॉलर मौजूद हैं और फुटसाल गेम में हिस्सा ले रहे हैं। बाखत है इन बच्चियों में माशाल्लाह। और मिली ब्राजी लियारी आ रहा जो बाज मतलब शर्रे अल्फाज तो का मतलब याद करन थे मकसान ये से बचकन में लेप को था अकेडमी और कराची यूनाइटेड का मैच चल रहा है। टीएफसी के प्लेयर से हम पूछते हैं जी आप अपना तारुफ करवाएं। अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम ईशा नासिर अली है और मैं यहाँ कराची एफसी की मतलब फुटबॉल क्लब की स्टूडेंट हूँ और यहाँ मैं मैच खेलने आई हूँ और यहाँ पर मुझे बहुत अच्छा लग रहा है क्योंकि यहाँ मैंने फ़र्स्ट टाइम पार्टिसिपेट इस टीम में किया है और मैं चाहती हूँ कि इंशाल्लाह हम जीत कर जाएँ, फाइनल भी जीत कर, सेमीफाइनल पहले जीते फिर फाइनल पूरी तरह। सेमीफाइनल आपका मुकाबला किसके साथ है? हमारा है लोधी टीम के साथ। लोधी टीम के साथ क्या आप ये सख्त रखते हैं कि इस मैच में आप उसका मुकाबला कर सकोगी या उसको फाइट करके जीतोगी? इंशाल्लाह हम ज़रूर जीतेंगे क्योंकि हमने बहुत मेहनत की। हाँ, उन्होंने उस टीम ने भी की होगी मेहनत, जाहिर बात है मैच होता है सब तैयारी करके आते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि ज़्यादा तैयारी की, हम इंशाल्लाह जीत कर जाएंगे। जी हमारे साथ मौजूद हैं सर जमील, यहाँ पे स्पोर्ट के जितनी भी जिम्मेदारियाँ सर जमील के हाथ में हैं और इसके अलावा सर जमील UC8 के वाइस चेयरमैन भी हैं। हम सर जमील से पूछते हैं कि सर आप हमें ये बताएं कि आज का जो टूर्नामेंट हो रहा है वो कौन करवा रहा है और क्यों करवा रहे हैं? अस्सलाम वालेकुम औरंगजेब साहब, बहुत शुक्रिया आपका। ये टूर्नामेंट जो है DC साउथ फेस्टिवल के नाम से है 2024, ज़ेर एहतमाम विद कोलैबोरेशन लियारी टाउन स्पोर्ट्स कमेटी एंड स्पोर्ट्स अपीयर और प्लेग्राउंड। और ये टूर्नामेंट का इनेकाद जो हुआ है ये हमारी जो बच्चियां हैं ताकि वो हेल्दी गेम्स की तरफ आएं और स्पोर्ट्स की तरफ आएं। माशाल्लाह आप यहां पे देख रहे हैं कि इन बच्चियों में कितना टैलेंट है फुटबॉल का, फुटसाल का और स्पोर्ट्स का, वो तो आपको नज़र आ रहा है। ये वनडे टूर्नामेंट है 8 टीमों का जिसमें 8 टीमें शिरकत कर रही हैं। अभी एक सेमीफाइनल मैच हो रहा है इस वक्त कराची फुटबॉल क्लब का। अच्छा जी सर, यहाँ पर लियारी में तकरीबन फीमेल का ज़्यादा रुझान अभी फुटबॉल की तरफ हार है, आप क्या देखते हो कि मतलब यहाँ के जो फुटबॉलर हैं वो इंटरनेशनल सतह तक वो जा सकते हैं? जैसे कि एक दो मेरे ख्याल में प्लेयर अभी गए थे इंटरनेशनल सतह में खेलने के लिए, क्या ये जो हमारी बच्ची हैं वो जा सकती हैं? जी बिल्कुल, इस वक्त जो आपको नज़र आ रहा है यहाँ पे इस ग्राउंड के अंदर तकरीबन 4 या 5 इंटरनेशनल फुटबॉलर मौजूद हैं और फुटसाल गेम में हिस्सा ले रहे हैं। बहुत वर्थ है, बहुत वो ताकत है इन बच्चियों में माशाल्लाह। और आप देखेंगे कि यही बच्चियाँ जो है ना मुल्क का नाम, कौम का नाम रोशन करेंगी स्पोर्ट्स की दुनिया में। इसके अलावा सर आप मतलब ये देख रहे हैं कि मतलब ये यहाँ पे एक फुटबॉल का मेल का ग्राउंड है और ये फीमेल का ग्राउंड है और यहाँ पे डेली वाइज मतलब प्रैक्टिस होती है, फीमेल आते हैं प्रैक्टिस करती हैं यहाँ पर? जी बिल्कुल, ये जो बड़ा ग्राउंड है सामने जो ककरी ग्राउंड के नाम से मंसूब है, ये एस्ट्रोटर्फ है, बहुत ही खूबसूरत ग्राउंड पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने बनवा के दिया लियारी वालों के लिए। और ये जो फुटसाल का ग्राउंड है ये बच्चियों के हमारे लिए है, यहाँ पे बच्चियाँ ट्रेनिंग करती हैं सुबह शाम और इस बड़े ग्राउंड में सुबह 4 एकेडमीज़ वो ट्रेनिंग करती हैं, शाम में 8 एकेडमीज़ ट्रेनिंग करती हैं, फुटबॉल के मैचेस होते हैं यहाँ पे, बहुत ज़्यादा रश होता है यहाँ पे, वॉक हर चीज़ माशाल्लाह। और सामने की ये जो अकोमोडेशन आपको नज़र आ रही है बहुत ही खूबसूरत अकोमोडेशन है, इंशाल्लाह ताला इसके अंदर अभी जिम का सामान भरा जाएगा, टेबल टेनिस की टेबलें आने वाली हैं, इसके अंदर बास्केटबॉल का ग्राउंड है, बहुत खूबसूरत ग्राउंड है बास्केटबॉल का जो इससे पहले कभी लियारी में नहीं था। अंदर इंडोर गेम के बहुत ज़्यादा वो रूम्स बने हुए हैं, ऑल बने हुए हैं इंडोर गेम्स में, डॉट टेबल टेनिस चेस्ट वगैरह के सारे ये गेम इसके अंदर इंशाल्लाह ताला होंगे।
उसके रूल्स ये है कि लियारी टाउन से उनको परमिशन लेना पड़ेगा, लियारी टाउन और स्पोर्ट डिवीज़न से उससे परमिशन लेना पड़ेगा, खेल सकते हैं। जो गवर्नमेंट के जो रूल्स हैं और होते हैं उस रूल्स के तहत वो बिल्कुल खेल सकते हैं। जी हमारे साथ ये मौजूद थे सर जमील, ककरी ग्राउंड के इंचार्ज हैं और जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया था कि यूसी एक्ट के वाइस चेयरमैन भी हैं और काफ़ी सरगर्म रहते हैं और काफ़ी जगह मतलब जहां भी एक्टिविटी होती है सर जमील वहां पे मौजूद होते हैं। ज़्यादातर फुटबॉल के हवाले से मतलब सर फहरस्त होते हैं और DFA जो है साउथ है उसके सदर भी हैं। पहला से फुटबॉल तरह कभी फैमिली वाले सपोर्ट लौटी अलहमदिल्ला मनी फैमिली वाला मना सपोर्ट करना मक आसानी अच्छे बचकर मैं लेप कुता डी गोली रमजान मैं जिजा मनचू लेप कुता रस्ते सिंध टीम में बने थोड़ा होता से मैं ट्रेल था ताले के ट्रेल नहीं तो मदारे को फुटबॉल शो को लाई मैंने सेलेक्ट को मैं सिंध टीम में कैप्टन भी था तो पता पता नेशनल टीम बने मैंने सेलेक्ट होते पता अंडर 16 बने मैं पता पार्टिसिपेट को होता अंडर 16 मंगोलिया ना भूटान छुता अच्छे गेंद गए मतलब इधर ASC इवेंट भी गए लेडीस आनी फीमेल आनी तो समझे छो गेंद गए शना। वालेकुम सलाम सर पैसा तो बाज बाज शुक्रिया तई के जो से तो स्पोर्ट्स से और खसूस फुटबॉल हवाले अच्छे जो से थी वक्त दे गए और यूट्यूब चैनल जरिए अच्छे तो लियारी फुटबॉल आ रहा जो से ना पूरा दुनिया दे जो से कार गए वास्ता तो उसकी किरदार अदा करेंगे तो सजी पैसा माँ तई किरदार आ सलाम पेश करना दूमी का पेशे के जो से ना ये जो कसाने गोंडे जोस्ते जनकानी जोस्ते ना इवेंट वे गए DC साउथ निमगा चे तो वहाँ समझा कि जोस्ते शर्रे मतलब एक प्रोग्राम है और शर्रे मतलब एक इवेंट है ये गो के जोस्ते ना एक वनडे प्रोग्राम है लेकिन जोस्ते अगर हमें पे कसाने कसाने वनडे प्रोग्राम भी अगर मतलब ऑफिशियली सतह सरा बेबिया हुकूमती सतह सरा बेबिया तो वहाँ समझे कि लियारी फुटबॉल पदा माँ जोस्ते ना कमो देवा कार के वास्ता उसकी किरदारा भी अदा करने और आई वास्ता खास तौर पर जोस्ते ना हुकूमती मतलब इदारे ना जोस्ते ना उसकी किरदार अदा करने लूटी जैसा DC साहब करने गए तो हमें पे हम जो मेयर कराची भी कनते हमें पे हम जो है CM सिंध भी कनते और जो ना मुख्तलिफ मतलब मिनिस्ट्री है जो ताल्लुक केयर करो के मतलब मिनिस्टर हाँ आ भी जो ना फुटबॉल बॉक्सिंग साइकिलिंग और दीगर जो लिया रही है मतलब लैब हाँ आने वास्ता जो किरदार अदा बिकना सर फुटबॉल हवाले से मैं सिर्फ इतना अमीन चौतरा मैं गुशा के जो ना फुटबॉल लियारी पहचान है लियारी जब भी नाम कहते तो मिनी ब्राज़ील लियारी गुशक बीतते और मिनी ब्राज़ील लियारी आ रहा जो बाज मतलब शर्रे अल्फाज तो का मतलब याद करन थे और माजी है पाकिस्तान टीम में तो का जो ना लियारी है जब भी पाकिस्तान टीम बनता तो लियारी जो ना फुटबॉलर आया नहीं मतलब याजदा कस जो लियारी फुटबॉलर नहीं साइड है तो का बीतगा 11 साइड है तो याजदा कस बीतगा लेकिन कुछ वक्त बाद जो ना वक्फात को आई तो का मतलब तो ये सियासत घुसे ऑफिशियली नहीं सियासत घुसे फेडरेशन सियासत घुसे या मतलब मैं वती काम ही गलती घुसे जैसे मैं फुटबॉल बाज पूछताछ लेकिन अन्नी पता दोबारा जो ना कराची फुटबॉल जो मैं समझा पता वती बेकअप है नहीं पैदा के पता शर्रिय ने मैं पैदा के इंशाल्लाह अगर हमें पे हम जो हुकूमती सरपरस्ती भी और खसूसन मैं लियारिया वाले जब गप करें तो लियारिया तो का मौसम फुटबॉल हवाले से नासिर करीम बलोच अगर जिक्र मकने जमील होते जिक्र मकने तो ज्यादती भी थे कि लियारिया तो का फुटबॉलर एक मरतब पता जो जिंदगी करने के वास्ता पता ये तरक्की है वास्ता नासिर करीम साहब है और जमील साहब है बड़ा अहम किरदार है और इंशाल्लाह नासिर करीम साहब लियारी टाउन है चेयरमैन है आइए मारा बड़ा उम्मीद वाबस्ते हैं और लियारिया डिस्ट्रिक्ट साउथ है फुटबॉलर भी है नासिर करीम आइए सरपरस्ती करेंगे और आइए क्या तो का माँ जो है ये शाना बशान है ये टीम में हिस्से हैं इंशाल्लाह इंशाल्लाह लियारी फुटबॉल जो ना सिर्फ मतलब जो ना मचका नहीं तो का मतलब शर भी थे इंशाल्लाह तो गेंदे में गोंडे जो जिनक भी जो ये हवाले अच्छे जो लियारी फुटबॉल है मतलब बेहतरी वास्ता मैदान अमल तो क्या इंशाल्लाह इंशाल्लाह जो बाज जल्द जो ना माँ होती पता हमारा मकामा हासिल करें।